रिपोर्ट देने आया यहाँ, ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहाना। और हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक सो गाइस दुखद की बात है, ओडिशा के बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, ये तीनों के बीच में भीषण टक्कर हुआ है जो कि 300 लोग मारे गए और 900 लोग घायल हो गए। और योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए कहा, हमें अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है, संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है, लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब लोगों को पता था, जब लोगों ने देखा तो हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड को डोनेट करने लगे, देने लगे इन लोगों को जो ट्रेन हादसा में जो घायल हो गए, जख्मी हुए उन लोगों को। भारत में पहला बार हो रहे जो कि बिना मांगे लोगों ने अपना ब्लड को डोनेट किया। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं, मतलब कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है, 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। अपना मुझे स्वइच्छा से निस्वार्थ में हमने ब्लड देने के लिए आए हैं मतलब मेडिकल, कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए हमारा सो इच्छा से हमने आए ब्लड देने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि ट्रेन हादसा जो कि घायल हो गए जख्मी हो उनको देखने के लिए गए हैं। जय हिंद।